हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा वाइट मशीन से है और ये मशीन उषा कंपनी की है। तो फ्रेंड, इसमें बेल्ट को आप कैसे चेंज करेंगे अगर आपकी बेल्ट ख़राब हो जाती है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मशीन से और स्टिचिंग से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मशीन में आपका हम ये एक्सीलेटर का लाइन दिया हुआ है, इसको हम दबा रहे हैं तो ये आपका चल नहीं रहा, इसका बेल्ट गिर गया है। किस तरह लगाना वो आपको बता दे रहे हैं, नया लगाना है तो ही बता दे रहे हैं आपको। ये आपको दबा रहे लेकिन चल नहीं रहा, मोटर का आवाज़ आ रहा लेकिन बेल्ट का आवाज़ नहीं आ रहा, चल ही नहीं रहा, मशीन ऊपर घूर ही नहीं रहा। तो ये आपका इधर से ये पोजिशन अभी खोले थे हम इससे पहले, ये देखिए खोल ढकना, ये आपका बेल्ट है, ये बेल्ट, ये बेल्ट को लगाना है, इसमें उतर गया ही, इसमें चढ़ाते हैं। ये आपको इस तरह देखिए, ये पॉइंट है ना यहाँ लगा हुआ, ये कम बेसी करने का एडजस्टिंग है, जैसे अगर लूज करना है, टाइट करना है, जितना पे इसको रखना सीमित रखना उसको आप रख सकते हैं। फिलहाल तो ये आपका बेल्ट पहले गिर गया है, ये आपको हम पहले लगाते हैं, ये लग गया बेल्ट। अब इसको सीमित जहाँ रखना, जैसे लूज रखना है, टाइट रखना है, तो यहाँ से ये आपका नट से ढीला टाइट कर करके, यहाँ आपका ढीला है इधर टाइट हो रहा है ना, इसको टाइट करना है, ये देखना और टाइट चाहिए हमको, थोड़ा सा और इधर पुश कर देना, इधर जितना नीचे जाएगा उतना ये बेल्ट टाइट होगा, ये आपका यहाँ से फुल टाइट होगा। ये उसके बाद ये नट देखिए, ये आपका तीनों देखिए, ये नट, ये आपका बेल्ट लगी। आप देखिए, अब चलाएंगे एक्सीलेटर, देखिए मशीन भी चलेगा हमारा, देखिए चल रहा, यहीं से एग्जस्टिंग होता है। देखिए ये मोटर को ये बेल्ट घुराता है, ऊपर से ये चलता है, ये इसको चलाता है, ये बेल्ट जो जा रहा है। देखिए सब जगह तेल देना वो भी हम आपको समझा देंगे अगला वीडियो में। देखिए देखिए ये बेल्ट में आपको तेल भी मोटर में कहाँ पड़ता है, इस मशीन में मोटर पे तेल कहाँ पड़ता है वो भी बता दे। देखिए ये पॉइंट में, देखिए यहाँ पे पॉइंट होता है ये आपका मोटर का, एक बूंद इसमें तेल देना है। तो मोटर में आपका वायरिंग नहीं होता, बूस होता है जो पंखा में होता है, वो बूस में तेल जाना चाहिए तो आपका आवाज़ नहीं करेगा, स्मूथ चलेगा। ये आपका जितना पॉइंट है इधर भी है, ये मूव कर रहा है ना, ये सब में देना है, ये पॉइंट वाला देना, ये रफू करने का है इसमें भी देना है थोड़ा बहुत तेल, स्प्रिंग जो जंग नहीं लगे। उसके बाद देखिए ये आपका इधर उल्टा, ये आपका यहाँ से ये सब में देना, ये मूव कर रहा है, ये स्प्रिंग है, सब में जितना जॉइंट है इसको इस तरह करके ये सेटल में देना है। देखिए ये सेटल में यहाँ पे, इसमें भी देना ज़रूरी है, ये रड में देना है, सब जगह इसमें तेल देना है, जितना तेल दीजिएगा उतना फ्री होगा। इसमें रुआ होता है, रुई में पूरा तेल दे दिए, रुआ अपना आधा एक घंटा दिन भर रहता है, उसको नहीं देना, कम से कम हफ्ता में एक बार जरूर देना वाइट मशीन में। तो फ्रेंड, आपने देखा अगर आपकी बेल्ट लूज़ हो जाती है, गिर जाती है, तो आप इसे कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं मशीन की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।